नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी हरियाणा द्वारा कुल 12 पदों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस प्रकार के जो वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन हैं उनको पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस लाल बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर नए नए जो जॉब्स निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकलते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको बताते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें किस किस की निकली हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी हरियाणा द्वारा टोटल 12 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें प्रोसेस सर्वर यानी प्यादे की 3 वैकेंसी हैं और चपड़ासी यानी पीएन की 9 वैकेंसीज हैं। इन पदों के लिए जो ऑफलाइन आवेदन होंगे और ऑफलाइन आवेदन जमा करवाने की जो अंतिम तारीख है वो 28 फरवरी 2019 है। यह जो नोटिस है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। और पूरी एडवर्टाइजमेंट जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप हम एक लिंक देंगे, उस लिंक पर जाकर आप पूरी जो नोटिफिकेशन है, जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली हैं। जो प्रोसेस सर्वर की सबसे पहले निकाली गई हैं, प्रोसेस सर्वर की 3 वैकेंसी निकाली गई हैं और यह जो तीनों वैकेंसीज हैं सारी जनरल की, तीनों की 3 वैकेंसी जो हैं जनरल के लिए रिजर्व हैं। और इनका जो पे स्केल है प्री रिवाइज पे बैंड ऑफ ₹4,440 4,740 प्लस 1650 प्लस यूजुअल अलाउंसेज एज एडमिजिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी इस ग्रेड पे के साथ जो भी यूजुअल अलाउंसेज होंगे वो मिलेंगे। पीएनस की जो पोस्टें निकाली गई हैं कुल 9 निकाली गई हैं, जर्नल की 5, जर्नल ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 1, एससी एक्स सर्विसमैन की 1, बीसीए की 1 और बीसीबी की 1, कुल 9 पद हैं, 9 पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं। इनके लिए भी जो पे स्केल है वो 4,440 प्लस 1300 जीपी के साथ ग्रेड पे के साथ है इनका पे स्केल। अब इनकी क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं। प्रोसेस सर्वर की जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है और मैट्रिकुलेशन के साथ हिंदी या पंजाबी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पीएन की जो पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्टैंडर्ड यानी 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है और 8वीं कक्षा तक उसको हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना ज़रूरी है। हिंदी और पंजाबी में से किसी एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट इसके लिए जो कम से कम एज लिमिट है वो 18 वर्ष 1 जनवरी 2019 को होनी चाहिए और जो किसी प्रकार की जो अपर एज लिमिट में जो छूट मिलेगी वो है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक आपको मिलेंगी। एक्स सर्विसमैन को भी उसी के मुताबिक मिलेंगी। और जो लास्ट डेट है इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2019 को 5:30 बजे तक आप ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं, बाय पोस्ट करवा सकते हैं या आप बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में आपको बता देते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड पीएन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट https://districtscourtecourse.gov.in/rewardi पर जाकर आप देख सकते हैं। यानी क्लोजिंग डेट के बाद 28 क्लोजिंग डेट है 28 फरवरी 2019, उसके बाद जो रेवाड़ी कोर्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप अपने जो इंटरव्यू की डिटेल है वो देख सकते हैं कब कब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए कोई कॉल लेटर कोर्ट द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि आप समय समय पर जाकर वेबसाइट के गो थ्रू रहें और वेबसाइट पर जाकर ही, वेबसाइट के ऊपर ही इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसके मुताबिक ही आप इंटरव्यू देंगे। अब आपको अदर डिटेल बता देते हैं। आपको जो एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर आपने सबमिट करनी है, उसके ऊपर आपने रिसेंट जो फोटोग्राफ है वो लगानी है कैंडिडेट ने और अपने पर्टिकुलर फर्निश करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस इफ एनी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपने इसके साथ लगाने हैं अपनी एप्लीकेशन के, और 2 सेल्फ एड्रेस एनवेल्प ड्यूली स्टैम्प्ड यानी 5 रुपये के जो डाक टिकट लगा हुआ अपना स्वयं का पता लिखकर वो इसके साथ 2 लिफाफे ज़रूर लगाने हैं।
यदि आप ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे तो आपका जो फार्म है वो कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए सभी को अपने फार्म को कंप्लीट करके भेजें 28 फरवरी 2019 से पहले पहले। तो जिन कैंडिडेट ने इन पदों, ये पद पहले भी एडवर्टाइज किए गए थे 6/9/2018 को इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए थे, जिन कैंडिडेट ने इनके लिए अप्लाई किया उस 6 सितंबर को अप्लाई किया था और इसकी लास्ट डेट थी 26 सितंबर, लास्ट डेट थी इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए, पहले भी निकली थी एडवर्टाइजमेंट, तो वो कैंडिडेट दोबारा ना अप्लाई करें तो उनको अप्लाई दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके कैंडिडेट जिन्होंने 26/9/18 के बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रेवाड़ी के कार्यालय में जिनके फार्म 26/9/2018 के पहुंचे थे, उनकी लिस्ट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड है, वो दोबारा अप्लाई कर लें, क्योंकि उनका पहले जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट द्वारा। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन है SC/BC की, वो हरियाणा गवर्नमेंट के जो निवासी हैं, हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनको मिलेंगी। तो इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए आप 28 फरवरी का इंतज़ार ना करें, उससे पहले पहले आप भेजें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर इस प्रकार के जो गवर्नमेंट जॉब्स के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिलेंगे, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।